उदाहरण आठ त्रिभुज XYZ में यदि कोण Y बराबर कोण Z तथा कोण X की अर्धक XP हो तो सिद्ध कीजिए कि की भुजा YZ का मध्य बिंदु P है तथा XP लंब YZ उदाहरण आठ हम हल करने जा रहे हैं इसमें जो आकृति आपको दी गई है उसमें आप देखेंगे कि त्रिभुज एक्स वाई जेड है और वहाँ से जो एक्स पी रेखाखंड खींचा गया है वो पूरे कोण X को समद्विभाजित करता है यानी एक्स पी इस कोण X का अर्धक है और एक जानकारी हमें और दी गई है कि कोण Y कोण Z के बराबर है तो आप देख रहे हैं कि दो सूचनाएं हमारे पास है कि कोण Y बराबर कोण Z और एक्स पी एक्स का अर्धक है यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कोण वाई एक्स पी बराबर कोण जेड एक्स पी तो इन सूचनाओं को हम लिखें इन दोनों त्रिभुजों के बारे में और हाँ एक चीज़ और बता दें हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P वाई जेड का मध्य बिंदु है और एक्स पी जो एक्स का अर्धक है वो वाई जेड पर लंब है ये दो बातें हमें सिद्ध करनी है तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक बात फिर से हम सोच लें कि हमको करना क्या होगा अगर हम ये बताना चाहते हैं पी वाई जेड का मध्य बिंदु है इसका मतलब ये भी होता है कि आप सिद्ध करें कि वाई पी बराबर पी जेड तभी आप कह सकते हैं कि पी वाई जेड का मध्य बिंदु है और यदि वाई पी बराबर जेड यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए आपके पास बहुत सारी शर्तें हैं और उनका हम उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पहले हम लिखे त्रिभुज इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे हम एक्स वाई पी त्रिभुज एक्स वाई पी और त्रिभुज इसका नाम लिखें हम एक्स पी जेड एक्स पी जेड में हम इन दोनों त्रिभुजों में काम करने जा रहे हैं इसलिए हमारी पहली लाइन ये होती है अब जो जो सूचनाएं दी हुई हैं उनको लिखें सबसे पहली बात जो दी गई है ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं इनको हम कोण वाई बराबर कोण जेड भी लिख सकते हैं लेकिन अच्छा होगा हम पूरा नाम लिखें तो इनका पूरा नाम लिखें तो इसे हम पढ़ेंगे कोण एक्स वाई पी कोण एक्स वाई पी बराबर कोण जेड जैसे आप एक्स जेड पी भी लिख सकते हैं एक्स जेड पी दोनों बराबर है एक चीज़ मुझे यहाँ पर कहनी है आपसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक्स वाई पी को त्रिभुज भी लिखा है और यहाँ पर एक्स वाई पी को कोण लिखा है इन दोनों को फर्क आप अच्छी तरह समझते हैं जब हम एक्स वाई पी त्रिभुज कहते हैं इसका मतलब ये तीनों भुजाओं से घिरी आकृति की हम बात करते हैं और जब हम कोण एक्स वाई पी कहते हैं इसका मतलब हम इस कोण के बारे में बात कर रहे होते हैं जो बीच में लिखा हुआ है तो इन दोनों का फर्क आप समझिए और आगे बढ़ें फिर आ, तो एक कोण हमने बराबर सिद्ध किया अब उसके बाद आपको ये पता है कि एक्स पी इस पूरे कोण का अर्धक है तो आप अर्धक होने का मतलब ये है कि ये जो रेखाखंड है वो इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है तो एक भाग आप इधर देख रहे हैं दूसरा यहाँ देख रहे हैं इनका नाम क्या लिखना चाहिए हमें x बीच में है और दोनों तरफ y और p हैं तो हम इसको पढ़ेंगे कोण वाई कोण वाई एक्स पी बराबर उसके बगल का कोण इस कोण की हम बात कर रहे हैं कोण जेड एक्सपी जेड एक्स पी तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए अब आपको एक चीज़ और ढूंढनी है जो दोनों में है आप देख रहे हैं बहुत आसानी से कि एक्स पी जो है रेखाखंड दोनों त्रिभुजों में है और वो भैनिष्ठ है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स पी दोनों में है और हमें इस तरह से लिखना चाहिए इसे एक्स पी बराबर एक्स पी ये उभयनिष्ठ भुजा है उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुजों में है और इन तीनों जानकारियों के आधार पर आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो चलिए लिख लें हम इसको त्रिभुज एक्स वाई पी त्रिभुज एक्स वाई पी सर्वांग सम त्रिभुज एक्स जेड पी के त्रिभुज एक्स जेड पी और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप फिर से कह सकते हैं कि इसके बाकी शेष जो अंग हैं वो भी आपस में बराबर होंगे जो संगत हैं तो आप देख रहे हैं कि भुजा वाई पी और भुजा जेड पी दोनों संगत हैं एक जैसी स्थिति में है तो आप कह सकते हैं कि वाई पी बराबर जेड पी ये हमारा परिणाम है हम लिख सकते हैं इन तीनों संगतता के आधार पर कि हमको परिणाम मिल रहा है कि पहले त्रिभुज की भुजा वाई पी बराबर दूसरे त्रिभुज की भुजा जेड पी इसका मतलब हुआ अगर दोनों बराबर हैं इसका अर्थ यह हुआ कि पी वाई जेड के मध्य में स्थित है मध्य बिंदु है तो अब लिखें कि पी भुजा वाई जेड का मध्य बिंदु है एक बात आपको ये प्रूफ करनी थी जो आपने कर ली दूसरी चीज़ हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स पी वाई जेड पर लंब है अब आप इसे कैसे करेंगे आप देख रहे हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि ये रेख ही युग में है और दोनों बराबर हैं ये पूरा कोण एक सौ अंश का होता है और इसे बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटेंगे तो प्रत्येक हिस्सा इसका 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि एक्स पी वाई जेड पर लंब है तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं इन्हें कि एक्स पी लंब है वाई जेड पर इसे आप विस्तारित करके भी लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कोण एक्स पी वाई बराबर कोण एक्स पी जेड यह पहला स्टेटमेंट होगा आपका उसके बाद आप कह सकते हैं कोण एक्स पी वाई धन कोण एक्स पी जेड बराबर एक सौ अस्सी अंश और चूंकि दोनों बराबर हैं, इसलिए आप एक्सपी वाई और एक्सपी जेड की जगह फिर से एक्सपी वाई लिख सकते हैं तो आपको एक कथन यह भी मिल सकता है कोण एक्स पी वाई धन कोण एक्स पी वाई बराबर एक सौ अस्सी अंश और दो बार आप पी वाई पी वाई लिख रहे हैं तो आप दो गुणित पी वाई बराबर एक सौ अस्सी लिख सकते हैं और इस तरह से आपको एक्सपी वाई बराबर मिलेगा एक सौ अस्सी भागे दो बराबर 90 डिग्री तो आप इस तरह से भी अपनी बात कह सकते हैं और अंततः आप ये कह पाएंगे कि एक्स पी वाई जेड पर लम्ब है तो देखा आपने कि दोनों चीज़ें प्रमाणित हो रही हैं पहली बात पी वाई जेड का मध्य बिंदु है और दूसरा एक्स पी वाई जेड पर लंब है तो बच्चों ये आपका उदाहरण आठ भी पूरा हुआ और मुझे लगता है कि आपने इसे समझ लिया है और खुद से भी कर सकते हैं तो एक बार कोशिश कीजिए